गिरिडीह भू निबंधन कार्यालय में लंबे समय से हो रहे मनमानी तथा घुसखोरी के खिलाफ आखिरकार डीड राइटरों का गुस्सा फूट पड़ा और रजिस्ट्री कार्य के बहिष्कार के साथ आज उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और आंदोलन में साथ देने के लिए भाकपा माले को याद किया। सूचना मिलने पर माले के जिला सचिव पूरन महतो, पार्टी नेता राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व किया और कहा कि वास्तव में गिरिडीह रजिस्ट्री ऑफिस घुसखोरी का बड़ा अड्डा बन चुका है। सारे दुरुस्त कागजातों के साथ रजिस्ट्री कराने आए लोगों को भी बेवजह परेशान किया जाता है। माले नेताओं ने जिला प्रशासन तथा सरकार से गिरिडीह के रजिस्ट्रार ऑफिस में व्याप्त मनमानी और खुलेआम घुसखोरी पर अविलंब रोक लगाने की मांग की। कहा कि रजिस्ट्रार ने अपने कर्मियों को वसूली करने की खुली छूट दे रखी है। बड़े बड़े भूमाफियों द्वारा अपनी रजिस्ट्री के लिए मुंह मांगी कीमत दी जाती है, जिसका खमियाजा अब जिले के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब आम लोगों से भी उनकी थोड़ी बहुत जमीन की रजिस्ट्री के लिए मनमाने तरीके से रिश्वत की मांग की जाने लगी है और पैसा नहीं देने पर उनका काम किसी न किसी बहाने से पेंडिंग कर दिया जा रहा है। कहा कि यदि इस अल्टीमेटम के बाद भी रजिस्ट्री ऑफिस के रवैये सुधार नहीं हुआ तो दस्तावेज नवासियों तथा आम जनता के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। नीचे करिएगा। अभी हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस आए थे और यहाँ लगातार कई सालों से आप जानते होंगे कि यहाँ घुसखोरी का एक बहुत बड़ा अड्डा है। आप जेन्युइन काम है, चाहे सरकार का जो चीज लिखा हुआ है उस पर भी इनको अलग से पैसा चाहिए, 10,000 5,000 माने चढ़ावा चाहिए, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्री होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी आज हम लोग यहाँ पे आए थे और साथ ही साथ चाहे सरकार का कोई भी विभाग हो, हर जगह घुसखोरी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे समझिए कि कम से कम 1,000 लोगों का यहाँ पे चलता है, पेट चलता है, यहाँ पे सिस्टम चलता है और जो व्यवहार है रजिस्ट्रार का वो एकदम बहुत ही गलत है। वो अपने आप को जो बड़ा बड़ा जो भूमाफिया है उसके साथ बैठकर आराम से कर लिया करते हैं। टाइमिंग उनका जो है वो गड़बड़ है, 10:30 बजे आए फिर चले गए। ये पूरा सिस्टम को भाकपा माले खत्म करेगी और भाकपा माले बार बार आगाह कर रही है कि अगर इस तरह आप करते हैं तो हम लोग खुलकर विरोध करेंगे आपका और जो घुसखोरी है उसको बंद करिए। अलग अलग जगहों पे जिस प्रकार से आप अपने आप को तैयार कर रखे हैं हम लोग उसका विरोध करते हैं और लगातार दस्तावेज लेखक दस्तावेज को तैयार करते हैं और जो भी अपेक्षा है निबंधन से संबंधित सारे कागजातों को उसमें संलग्न करते हुए हम जब निबंधन निबंधक के समक्ष प्रस्थापित करते हैं उतना देखने के बावजूद भी वो अपना मनमानी रवैया जो है तो लगाते हैं कि इसमें ये मार्गदर्शिका के अनुसार नहीं चलेगा, ये इतना इसमें ये बढ़ाइए, मतलब इनका एक अलग दर्श आदेश होता है जो कि उसके आधार पर, अगर उसके आधार पर हम नहीं करते हैं तो जो है तो चढ़ावा अगर देना होता है तो बिना चढ़ावा दिए नहीं हो पाता है, ये इनका मनमानी रवैया है। दूसरी बात है कि ये हम दस्तावेज नवीसक के जितने भी सदस्य हैं निबंधन विभाग के एक अभिन्न अंग हैं। हम जब निबंधन हेतु दस्तावेज लेकर जाते हैं तो दस्तावेज निबंधन पदाधिकारी द्वारा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।